नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ विवेक निराला। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आज हम पहुंचे हैं बैकुंठ धाम, और वैकट का यह खास बैकुंठ धाम है। और मैं आपको बताऊं कि वैकट का यह भव्य मंदिर महादेव का विशेष मंदिर है। यहां कहा जाता है कि जो महादेव का सच्ची आस्था के साथ याद करते हैं उन्हें मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए हम ये भव्य तस्वीर आपको मंदिर में दिखाते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं वैकट के मंदिर में, और मैं आप जैसे कि आपको दिखा रहा हूं मैं अंदर की ओर जा रहा हूं। और आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा की खासी यहां भीड़ देखी जा रही है। और क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे?
हैं बैकठ के इस मंदिर में और यहाँ पे कुछ बाबा हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, यह बैकठ का मंदिर का क्या रहस्य है, इनसे जानते हैं। क्या बाबा, ये महादेव का यह मंदिर का क्या रहस्य है? महादेव के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं, क्या श्रद्धा उन्हें पूरी होती है? आज पूर्णिमा है, इस पर अवसर पे भीड़ है या फिर डेली रहता है? आज भी तो काफी भीड़ है, बाकी संगत जी पर तो डेली चल रहा है। महादेव का क्या खासियत है यहाँ? महादेव यहाँ के नामी है, बड़ी दूर दूर से लोग इनके आते हैं और थोड़ा भीड़ करते हैं, बाकी आ जाते हैं। महादेव का भीड़ यहाँ पे लगातार उमड़ता रहता है और भी लोग हैं, हम बात करते हैं, बाबा हैं। मंदिर में चलते चलते हमें बाबा भेट गए। आइए हम इस बात करते हैं कि यह मंदिर का क्या है खासियत, आखिर महादेव के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु क्यों उमड़ते हैं? आइए इस बैठक के मंदिर की खासियत जानते हैं। हजरत यहाँ पूजा करने के लिए आया, जबकि श्री मंदिर द्वापर कालीन है और यहाँ की विशेष खासियत ये है कि हमारे धर्म में कई तरह के वार्ड हैं, जैसे शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं शास्त्र कहलाते हैं, जो गणपति के उपासक हैं गणपत्य कहलाते हैं, जो सूर्य के उपासक हैं वो सौर कहलाते हैं। तो मेरे कहने का औचित्य है कि हमारे तीन प्रमुख वादों में शैव वैष्णव और शास्त्र, ये भारत में इकलौता मंदिर है जो तीनों वाद का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ शिव और पार्वती की संयुक्त प्रतिमा जो और शक्तिमतादियों का आस्था का केंद्र है और भगवान कृष्ण जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ महादेव से आग्रह किए थे, इसलिए वैष्णव धर्मियों का भी ये खास केंद्र है। और इसीलिए शायद विष्णु के नाम वैकुंठ के नाम पर ही गाँव का नाम वैकुंठ की पड़ा। और बाबा, यह मंदिर की स्थापना कब हुई थी और इस मंदिर को लेकर कहाँ तक सभी राशि आपको बाहर बिहार तक आ सकती है? इतिहास तो काफ़ी पुरानी है, मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ, मंदिर द्वापर कालीन है, लेकिन हम लोगों के पास जो रिटर्न एविडेंस है 1585 से है, राजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ तब से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं। और उसके पहले द्वापर कालीन शुरू है जरासंध कबर इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो प्रतिमा के साथ साथ 1200 की ये यहाँ की विशेष विशेषता है। तो कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार पूजा करने आता है उसके बारह ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है पूजन में। जहाँ तक आपने पूछा कि मंदिर में सरकार से क्या स्रोत प्राप्त है, तो सरकार यहाँ कोई स्रोत देती नहीं है, ये स्रोत जो हम लोग के पास है उस पर सरकार ऊपर से टैक्स लेती है, रिलीजियस का 5% टैक्स लेती है हम लोग इनकम के अगेंस्ट में। आप ये सब देख रहे हैं, ये थोड़ा हम लोग विधायक सांसद लोगों से गुजारिश करके उनके मद के चंदा से उसको हम बनवा रहे हैं, इसी को आप सरकारी सहयोग कहीं हो जाते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ और कब से आप इस मंदिर में सहयोग कर रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है और मैं यहाँ का प्रधान तिवारी हूँ इस मंदिर का, और 1974 से हम ये काम संभाल रहे हैं। बाबा ने जिस प्रकार से इस बैकुंठ धाम बैकट का यह मंदिर के भव्य आपको बात बताई और इतिहास के पन्नों को पलटा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप पटना के निवासी बिहार निवासी तो यह बैका भव्य मंदिर का दर्शन जरूर करें।